नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली फटाफट न्यूज चैनल पर। आज आपके सामने एक नई खबर के साथ आए। जी आपको बता दें, शाहरुख खान ने लता के पार्थिव शरीर पर थूका या नहीं? जी हाँ, हम आपको बताते हैं। दरअसल शाहरुख खान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें वो अपनी मैनेजर पूजा ददलानी के साथ लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर के सामने दुआ पढ़ रहे हैं। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें शाहरुख दुआ पढ़ने के बाद अपना मास्क उतारते हैं। इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर बहुत से लोग भड़क गए और कुछ यूजर्स का कहना है कि शाहरुख ने मास्क उतार कर लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर पर थूक दिया। जी हाँ, आपको बता दें सच क्या है। शाहरुख खान की इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। बहुत से लोग शाहरुख खान की जमकर आलोचना कर रहे हैं। हालांकि बहुत से यूजर्स ने इसे गलत बताया है, क्योंकि शाहरुख ने पार्थिव शरीर पर नहीं थूका था। जी हाँ, दरअसल शाहरुख ने दुआ पढ़ने के बाद फूंक मारी थी। इस्लाम में ऐसा बुरी शक्तियों को दूर करने के लिए दुआ पढ़ने के बाद किया जाता है। जी हाँ, आपको बता दें कि शाहरुख के बचाव में बहुत सारे फैंस आ गए हैं। शाहरुख खान के कई फैंस ने उनके सोशल मीडिया पर बचाव किया है। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, शाहरुख ने थूका नहीं था, बल्कि उन्होंने इस्लाम के मुताबिक लता जी से बुरी शक्तियों को दूर रखने के लिए फूंक मारी थी। और अगर लोग इस बारे में पढ़े तो सच्चाई जान।